झगड़े में यहाँ रखा है क्या सिर्फ रहे हम सब यहाँ मिलकर यही इस्लाम कहता है। पूरे भारत में कोरोना वायरस से कोहराम मचा हुआ है, हर एक जनमानस में खौफ का माहौल है। कारण लाखों लोग इस वायरस का शिकार होकर मौत की नींद सो गए हैं। इसी को लेकर एक शायर अपने खास अंदाज में एक नगमा पेश करता है। नफरतें तो मधुबनी जिले के लहरियागंज के साहिद कामरान के पुत्र आसिफ हिंदुस्तानी, जो एक शायर के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है और भारत के हर कोने कोने में अपना जलवा बिखेर चुका है। आम और खास तमाम लोगों की अपनी शायरी और मुशायरों से दिल जीता हुआ है इसने। यह छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपने मुशायरों से पहचाना जाता है और इस बार कोरोना संक्रमण को लेकर ये एक नया संदेश दे रहा है, जिससे आम लोगों में जो खौफ है उसे बाहर निकलने की जरूरत है। जरा सुनिए इस आसिफ हिंदुस्तानी का ये खूबसूरत सा मुशायरा। है सारी दुनिया आज परेशान में है, वक्त रहे सब कुछ को बचाना मुमकिन है, वक्त रहे सब कुछ को बचाना मुमकिन है। ये कुदरत से खिलवाड़ अगर जो बंद न की, ये कुदरत से खिलवाड़ अगर जो बंद न की, फिर कुदरत से बच पाना नामुमकिन है, फिर कुदरत से बच पाना नामुमकिन है। सारी दुनिया आज परेशान हाल में है। कौन सहार घाट और बसेठा रास्ता में सुमरकोन के पास थाना प्रभारी रविंद्र प्रसाद को सूचना मिला कि कुछ शराब माफिया लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं, उस पर शराब लोड करा रही है। तक्षण कार्रवाई करते हुए अपने साथ संजय ये शेषनाथ प्रसाद, ये अरुण कुमार एसआई अरुण कुमार डीएन मंडल के साथ और बल के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करके पकड़े, जिसमें दो बेलोरो आप देख रहे हैं, दो मोटरसाइकिल, एक स्विफ्ट डिजायर, उसमें कुल 4500 बोतल था जो कि शराब देख रहे हैं कपूरी सोफी जो नेपाली है, 1350 लीटर शराब बरामद हुआ। 5 गिरफ्तारी हुई है, इसमें है शिकिल पंडित, जीतन पंजियार है, संजीत मंडल है, अनिल महतो है, गोपाल मंडल है। ये सब शराब माफिया है, सबको जेल भेजा जा रहा है गिरफ्तार करके, उनका भी पता किया जा रहा है कौन कौन इसमें संलिप्त हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और शराब माफिया दूर लगातार छापा मारी जाएगी। साल की सबसे बड़ी तबाही मचाने जा रही यास चक्रवात तूफान का असर मधुबनी जिले में भी देखा जा रहा है, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवाती तूफान यास से संबंधित निपटारा हेतु 24 घंटे सतर्क रहने का निर्देश सभी विभागों को दिया गया है। जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों की समीक्षा
समीक्षा कर सभी को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। बिहार राज्य किसान सभा भारत की जनवादी नौजवान सभा भारत का छात्र फेडरेशन अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एवं सीटू के संयुक्त आह्वान पर जयनगर में देशव्यापी कार्यक्रम के तहत भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा काला दिवस मनाया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय पर दिन के 10 बजे से 1 बजे तक धरना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व युवा नेता कुमार राणा प्रताप सिंह कर रहे थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ किसान नेता रामजी यादव ने की। नगर के अंदर वाम समर्थित जितने भी जन संगठन हैं, वो जन संगठन के द्वारा आज पूरे देश के अंदर में सरकार के जो काला रवैया है, काला कानून है, कृषि काला कानून, उसको वापस लेने एवं पूरे देश के अंदर में स्वास्थ्य व्यवस्था सही बहाल करने एवं जयनगर की जो स्थानीय मुद्दा है, साथी ने बताया है कि अंचल अधिकारी के द्वारा सिर्फ खानापूरी की जा रही है किचन व्यवस्था के नाम पर। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले हमने आवेदन दिया था, आवेदन के आलोक में डीएम ने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात किया, इसके बाद ये बिहार सरकार नीतीश कुमार ने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात किया, लेकिन यह सिर्फ दिखावा हुआ है और जयनगर में सामूहिक किचन व्यवस्था नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ, इस आंदोलन के तहत मांग करता हूँ कि वैसे अंचलाधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो और कार्रवाई करने के बाद सामूहिक किचन व्यवस्था की व्यवस्था हो। कुमार राणा प्रताप सिंह वहाँ का दिन को हम काला दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान में मना रहे हैं। हमारी मांग है कि तीनों कृषि कानून, जो किसान विरोधी कृषि कानून है, उस कानून को वापस लिया जाए। तमाम कोरोना मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन और दवा उपलब्ध कराई जाए, उसके रहने सहने का समुचित व्यवस्था किया जाए, यही हमारी मांग है। हम रामजी यादव, किसान नेता जयनगर। कार्यक्रम के माध्यम से 11 सूत्री मांगों को अविलंब पूरा करने की सरकार से मांग, जिसमें वेंटिलेटर और एम्बुलेंस की अद्यतन स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने, विधायक मद की राशि के प्रति लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीका अपनाने, सर्वव्यापी टीकाकरण की गारंटी देने, पंचायत स्तर तक जाँच का विस्तार कर 24 घंटे में आरटीपीसीआर रिपोर्ट की गारंटी देने, अस्पतालों के तमाम रिक्त पदों पर अति शीघ्र बहाली करने, चिकित्सा सेवा का विस्तार कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने, तमाम मृतकों के आश्रितों को 4 लाख की अनुग्रह राशि देने, रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए राशन और गुजारा भत्ता देने के साथ साथ आशा कार्यकर्ता और सफाई मजदूरों को विशेष भत्ता और बीमा का लाभ देने, एक्सपर्ट कमेटी का अविलंब गठन करने और महामारी के संभावित तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी शुरू करने की मांग शामिल है। में कोरोना जैसे महामारी चल रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार और भारत सरकार हॉस्पिटल में न दवा की व्यवस्था है, न सुई की व्यवस्था है, न ऑक्सीजन है, हाहाकार मचा हुआ है, न बेड है। और तमाम विपक्षी DYFI किसान सभा लगातार मांग कर रही है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, जिसका उदाहरण है आज जयनगर में 37 मरीज है। सरकार कह रही है कि प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर हम जो है सो कोरोना मरीज के लिए निःशुल्क भोजन, सामूहिक किचन चला रहे हैं, लेकिन जयनगर के अंचलाधिकारी के द्वारा इसका खाना पूर्ति की जा रही है, होटल से खाना मंगवा के गिनती में दे रहा है, उनकी कर्मचारी खा रही है, ये लापरवाही है। इसलिए हम इसकी भी जांच की मांग करते हैं। जयनगर में उदाहरण है कि पटना गद्दी चौक पर एक भिखारी जो अन्न के बिनू मर गया और प्रशासन उसकी जो पोस्टमार्टम भी नहीं किए, लापरवाही किए, वैसे लापरवाह पदाधिकारी पर कार्रवाई हो और जिंदगी मौत से जो जूझ रहे हैं 37 आदमी, उसको और उसके परिजन को निश्चित रूप से भोजन मिले। शशिभूषण प्रसाद, DYFI राज्य उपाध्यक्ष, बिहार। आप इस समय स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर कलवाही
प्रशासन तमाशबीन बनी हुई है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड गाइडलाइन के तहत 11 बजे तक ही जरूरत की दुकानें खुली रहेगी। इसके बावजूद भी कलवाही थाना अंतर्गत बर्देपुर में साप्ताहिक हाट बाजार संध्या काल में लगाया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि स्थानीय प्रशासन किस कदर लापरवाह है। साप्ताहिक हाट में अधिकांश लोग बिना मास्क के खरीद बिक्री कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब जरा पूरी तस्वीर को देख लीजिए। जब स्थानीय थाना को इस बात की सूचना दी गई तो पुलिस तुरंत आकर बाजार बंद करवाने लग गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सबसे बड़ी बात, हाट को बंद कराने पहुंची पुलिस भी बिना मास्क के ही नजर आई। इससे साफ जाहिर होता है कि जब प्रशासन ही बिना मास्क के नजर आएगी तो आम लोगों में इसका क्या संदेश जाएगा। अब जरा हाट पर व्यवसाय करती महिला का क्या कहना है उसे भी सुन लीजिए। बताइए क्या है हाट लगाई लॉकडाउन में? गरीब लोग कथी कहते सर, अने भी मर जात, कोरोना बीमारी ने हमरा सुन के कुछ नहीं आ, वहे कह के खाए तो कथी खेब धियापुता के। तो की मांग रहते यहाँ के सरकार ने ककरो धियापुता के ने नौकरी दे है, ने ड्यूटी दे है, कुछ नहीं दे है। तो की मांग रहते यहाँ के, जो लॉकडाउन छे सरकार लॉकडाउन पर लॉकडाउन लगाबे छे। की नाम छे यहाँ के? की नाम छे? फूलो देवी। दूध नहीं करेगा, सब्जी साग नहीं बेचेगा, धंधा नहीं करेगा, मछली नहीं बेचेगा तो क्या करेगा? हम लोग मछली बेचते हैं। और तो कोरोना का कमाते हैं, पाँच छः परिवार है, खाते हैं, क्या खाएगा? तो कितने परिवार जो 5 किलो 10 किलो देता है सरकार, इसमें पेट भर जाएगा महीना में। तो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या कहें मैंने सरकार से क्या मांग रहे हैं? लॉकडाउन पर लॉकडाउन लग रही है तो क्या मांग रहेगा आप लोग है? मैंने क्या आशा करते हैं सरकार? धियापुता जो पढ़ते हैं उसको पढ़ाओ लिखाओ, टीवी कराओ, नौकरी दीजिए। क्या नाम हुआ आदमी? क्या करेगा? क्या नाम हुआ? कहाँ से लाएगा पैसा? क्या ले, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? राजेंद्र सिंह। आज का प्रदर्शन हुआ वो थाना प्रभारी के खिलाफ, जो बिना जो दोनों तरफ मारपीट का केस हुआ उसमें कोई जांच नहीं, कोई सूचना नहीं, किसी तरह का सूचना नहीं मिला। उसके बावजूद भी हमारे दो आदमी मिथिलेश राम और पलटू मुखिया, ये दोनों को जो रात में ये गिरफ्तार किए उसके खिलाफ में आज भाकपा माले की ओर से हम लोग पुतला दहन का काम किए हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ जो जमीनी विवाद है उस पे सही तरीके से जांच हो, जांच के अलावा जांच करके जो सही जायज लड़ाई हम लोग। दो आदमी है जो किनको उठाया, उनका नाम बताइएगा। जो मिथिलेश राम है, मिथिलेश राम और पलटू मुखिया, उनका घर सुनई है, जो कि यहाँ अभियुक्त है, उसी के खिलाफ में हम लोग आज पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं। और प्रशासन को मांग करते हैं
कि इस तरीके का जो रवैया अपना रहे इस पे हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। पहले जे भू माफिया जे सरकारी जमीन के चोरा के रखने छले ओ माफिया द्वारा गरीब के ऊपर हमला कैल गेले और गरीब के ऊपर झूठा मुकदमा क खिनहर थाना प्रभारी जहन की गरीब के ऊपर हमला भेले हॉस्पिटल इलाज छे गरीबो केस केल के जे कि गरीब के केस के दबा क और इस समानती जमींदार के केस के जे झूठा केस के हाईलाइट क और आई रात में हमरा मिथिलेश राम के और एक पलटू मुखिया के जै तरह से बिना जांच के बिना कोनो वारंटेड के रात में खिनहर थाना उठा कर लग लिया इस साफ तरह से पारदर्शिता दस्तावेज है कहां से उठाया गया है घर से उठाया है जो साफ जाहिर करता है जो यहां का पुलिस प्रशासन जमींदार का लठैतगिरी करता है अगर इस तरह से लठैतगिरी करेगा जमींदार को तो एक दिन गरीब का गुस्सा फूटेगा और आज हम लोग पुतला दहन करके खिनहर थाना के विरुद्ध में पुतला दहन किए हैं अगर इससे भी प्रशासन यहाँ का बाज नहीं आएगा इस तरह से उठाते रहेगा आदमी के ऊपर और गरीब पर जुल्म करता रहेगा तो हम लोग एक दिन खिनहर थाना को बाध्य होकर के घेरने पर मजबूर हो जाएंगे और इससे जोरदार आंदोलन पूरा जिला में हम लोग मोर्चा खोल देंगे खिनहर थाना के खिलाफ। आपका नाम? हमारा नाम श्याम पंडित। नई में थाना प्रभारी खिनहर का पुतला दहन किया गया और कल माले नगर स्थित भापा माले जिला कार्यालय में प्रतिवाद दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम में सैकड़ों दलित परिवारों के महिला पुरुषों ने भाग लिया और मिथिलेश राम एवं पलटू मुखिया की रिहाई और फर्जीवाड़ा वाली 20 एकड़ जमीन की जांच कराने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया। रहिका प्रखंड के मलंगिया एवं बसवारा पंचायत का आज जिला उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह और सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन ने जायजा लिया। इस दौरान जिला परिषद विक्की सिंह मलंगिया पंचायत के मुखिया रूबी देवी ने भी मौजूद रहकर मलंगिया पंचायत में किसानों की समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया। बसवारा पंचायत अंतर्गत खादीपुर मलंगिया में मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत बनाए गए सड़क के बीचों बीच पुलिया निर्माण नहीं कराए जाने के कारण आवागमन में आम लोगों को होने वाली कठिनाइयों से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया। प्रशासन से बरसात पूर्व पुलिया निर्माण कराने का अनुरोध किया गया ताकि बरसात और बाढ़ के समय लोगों को मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े। ग्रामीणों के अनुरोध पर दोनों पदाधिकारी ने दोनों स्थलों का निरीक्षण किया और समस्याओं से अवगत होकर संबंधित विभाग को इसके लिए निर्देशित कर जल्द ही काम पूरा होने का आश्वासन दिया। सदर एसडीओ अभिषेक रंजन के द्वारा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सदर एसडीओ के आदेश के आलोक में प्रखंड आपूर्ति अधिकारी सुरेश कुमार द्वारा लाइसेंस रद्द डीलर तनुलाल यादव के खिलाफ सरकारी राशन
थाना अध्यक्ष रामशीष कांति ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रखंड आपूर्ति अधिकारी द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि गुप्त सूचना के आधार पर बीते 24 मई को देर शाम 5 बजे सदर SDO के नेतृत्व में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रहिका के साथ संयुक्त रूप से पूर्व डीलर तनुकलाल के व्यापार स्थल पर छापेमारी की गई। उस क्रम में इनके यहां अवैध रूप से रखे गेहूं और चावल की बोरी पाई गई, जो पूर्णतः मशीन सिलाई टैग लगा हुआ FC गोदाम से निर्गत है। पूर्व में अनियमितताओं को लेकर सदर SDO के आदेश पर उनके दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उस दुकान से संबंध लाभों को दूसरे विक्रेता सूरज यादव के साथ संबंध किया गया है। अवैध रूप से भंडारित 22 क्विंटल गेहूं एवं 138 क्विंटल चावल के संबंध में उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद SDO द्वारा उक्त खाद्यान्न को जब्त करने का आदेश दिया गया। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए 4th स्तंभ डिजिटल न्यूज।